नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम बात करेंगे यूपी TPSC लेखपाल भर्ती के बारे में। जी हाँ, आपको पता होगा इसका फॉर्म आ चुका है और किसको अप्लाई करना है आपको ये पता होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर PET का एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनके मार्क्स कितने भी हों, चाहे वो 1 नंबर हों, चाहे वो 70, 75, 80, 60, 65 हों, वो सब लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसको कैसे आपको अप्लाई करना है, इसका वीडियो पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। या फिर दोस्तों अगर आपने UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा और आप वहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले अगर आपको उसके सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है, सिलेबस के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इसका लेखपाल भर्ती 2022 का, जो यहाँ पर 100 प्रश्न है 100 अंक के लिए, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम मिलेगा 120 मिनट। इसके अलावा कहाँ कहाँ से प्रश्न होंगे, आपके टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे, सब्जेक्ट क्या क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। और तो यहाँ पर कितने नंबर के कौन से पोर्शन से क्वेश्चन हमें कवर किए जाएंगे ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपको दोस्तों पता होगा जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, सबसे पहले नोटिफिकेशन लेकर मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ जाता हूँ, जिसके माध्यम से आपको इसकी खबर मिल जाती है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं लेट ना करते हुए और ले चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिस की तरफ और देखते हैं कि आपका नया नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसमें सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये आपका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। अब देखिए दिनांक 8 दिसंबर 2021। आवश्यक सूचना क्या है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी आपका जो PET एग्ज़ाम कराया गया था वो लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से, जो लोग PET में सम्मिलित हुए थे, उनसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसके संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आगे हम बढ़ते हैं। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, आपको जो परीक्षा योजना है और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा योजना की बात अगर हम करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, कैसे है, इसको हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा सामान्य हिंदी, प्रश्नों की संख्या होगी 25, यानी सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे जिसके अंक होंगे 25। टोटल जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटा यानी 120 मिनट का। फिर देखिए गणित है आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, ग्राम में समाज एवं विकास 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। टोटल जो मार्क्स बनेंगे आपके वो होंगे 100, यानी जो आपका मार्क्स होंगे मैक्सिमम वो होंगे 100। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, आपको समय मिलेगा 120 मिनट, यानी एक प्रश्न को आपको 1 मिनट से यहाँ समय देना होगा। तो आप इसमें देखिए जो मैथ का पोर्शन है, गणित का है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए आपके जो 20 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उस पर आपका कवर हो जाएगा। और बाकी जो पढ़ के केवल टिक करना होता है, जैसे सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, ग्राम समाज एवं विकास हो गया, इन सबको आप आसानी से पहले कर लीजिएगा, फिर मैथ में आराम से बिल्कुल टाइम दीजिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, देखिए नोट में लिखा गया है उपयुक्त परीक्षा है तो निगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक अंक जो दिए जाएंगे जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 होगा, यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपका रखा गया है। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहला आपका सामान्य हिंदी। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टॉपिक के अनुसार पढ़ाई कीजिए। अगर आप इधर उधर पढ़ते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, इसलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कवर करना होगा। देखिए सामान्य हिंदी में क्या है आपका, समास है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द हैं, संधियाँ हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन, कारक, कॉल, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये आपके टोटल टॉपिक हैं सामान्य हिंदी के जो कवर किए जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। फिर देखिए आपको गणित है, गणित की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अंक गणित एवं सांख्यिकी है पहले, जिसमें आपका संख्या पद्धति, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन,
सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, इसके अलावा आयात चित्र, फिर बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, सामांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक। ये सब जो आपके कवर हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर जितने भी आपके एग्ज़ाम होते, चाहे वो UP SSC के हों, UPSSC के हों, सब में आपके जो क्वेश्चन देखने आपको मिल जाएंगे इन सब टॉपिक्स के। फिर देखिए आपका बीज गणित पोर्शन है, फिर रेखा गणित है। देखिए बीज गणित में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो है लघुगणक, समापवर्तक, HCF और LCM, उनके संबंध, फिर युगपत समीकरण, फिर द्विघात समीकरण यानी फैक्टराइजेशन, फिर गुणनखंड, फिर क्षेत्रफल एवं परिमेय। ये आपका पोर्शन होगा बीज गणित का। फिर देखिए नेक्स्ट आपका आता है रेखा गणित, जिसमें आपका त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये सब देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो आपके इजी टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, और आप स्टेप बाय स्टेप सभी को कवर जरूर कीजिएगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो सके। फिर देखिए थर्ड आपका वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर है भारतीय राजव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषय सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। फिर देखिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, देखिए वो भी इसमें कंबाइन किया गया है, भारतीय राजव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। फिर देखिए ज्योग्राफी की बात करते हैं, देखिए विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन में केवल विषयों की सामान्य जानकारी, बस आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में। फिर देखिए भारत में भूगोल में भौतिक परिस्थिति की यानी आपका फिजिकली और परिस्थिति की बेस पे आपकी जो भूगोल का मैप है उसको जानना होगा। सामाजिक जनांकी की पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी यानी आपको केवल जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, जो आपका मोटा मोटा पोर्शन है, जो बेसिक पोर्शन है उसी को आपको ध्यान में देना है। फिर देखिए कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान संबंधित प्रश्न होंगे, यानी थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है, तो कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको भी देखना है। फिर देखिए चौथा है लोग पूछते हैं ग्राम में समाज एवं विकास क्या है। काफ़ी लोग के दिमाग में डाउट रहता है कि आखिर यह कौन सा सब्जेक्ट है ग्राम, समाज एवं विकास, में कौन से क्वेश्चन कवर होंगे, टॉपिक क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका है ग्राम में विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद फिर ग्राम में विकास का कार्यक्रम, ग्राम में विकास योजनाएं जो आती हैं उसके बारे में जानना होगा एवं ग्राम में प्रबंधन, फिर ग्राम में विकास शोध प्रणालियाँ, फिर ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम में विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, फिर केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम में विकास से संबंधित योजनाएं। ये सब आपके टोटल टॉपिक हैं जो कवर होंगे आपके एग्ज़ाम में। और देखिए आपका चारों सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है, वो भी ये ऑफिशियल नोटिस है, ये कोई फेक नोटिस नहीं है, मैंने आपको जो दिखाया है ये ऑफिशियली आ चुका है आपके UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए हमें सभी फ्रेंड्स के पास, इस तरह से नई नई इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नए अपडेट, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।